अल्लाह मुझे माफ करे, इस बख्त औरत ने हमेशा लोगों को तकलीफ पहुंचाई, कभी किसी का भला नहीं चाहा, लोगों के घर बर्बाद किए, इसीलिए आज इसकी मैयत उठाने वाला कोई नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों से रابطہ किया लेकिन कोई नहीं आया, इसीलिए मैंने आपको बुलवाया। आप फिक्र ना करें, हम जो हैं यहाँ पे कंधा देने के लिए, बेटा इंतजाम से रहते हैं। मत जाओ, मत जाओ, रुको रुको, अभी बारात आएगी, रुको, आ रहे हैं वो, आ रहे हैं वो, तैयार हो रहा है वो, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। काफी दिन हो गए थे, आपकी तरफ से कोई जवाब ही नहीं आया था। मैंने सोचा कि मैं खुद ही चक्कर लगा लूं। फिर क्या सोचा है आपने? थैंक यू। देखिए मिसेस आहिद, इतने बड़े फैसले अचानक नहीं किए जा सकते, सोचना पड़ता है, फैमिली के बड़ों से पूछना पड़ता है, फिर कहीं जाके कोई फैसला होता है। और वैसे भी हमारी फैमिली में एक इंतकाल हो गया था जिसकी वजह से हम सब बहुत परेशान थे। ओह, आई एम सॉरी, अल्लाह आपको सब्र दे। लेकिन ये सब तो मिडिल क्लास फैमिलीज में होता है कि बेटी का रिश्ता करने के लिए आप पूरे खानदान से मशवरा करेंगी। हमारे यहाँ ऐसा कोई रिवाज नहीं। हाँ लेकिन हमारी फैमिली में तो होता है। रानिया के वालिद साहब के इंतकाल के बाद उनके बड़े भाई निहाल भाई हमारी फैमिली के अफसर पर रस्ता है, उनसे तो पूछना पड़ेगा। और वो जो जवाब देंगे मैं आपको बता दूंगी। आप खामखा में इतनी देर कर रही हैं, बेकार की हैं ये सब कुछ। भाई जब लड़का लड़की राजी हैं तो फिर किसी और की मर्जी क्या मायने रखती है? आप जो कह रही हैं वो बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन वो जो भी फैसला करेंगे मैं आपको बता दूंगी, मैं उनके बगैर कोई राय नहीं दे सकती। ठीक है, आप उनसे मशवरा कर लें, लेकिन भाई अगर आप मुझसे पूछें ना
तो रानिया हमें दिलो जान से पसंद है और वलीद को भी बहुत अच्छी। मम्मा वो, अरे रानिया बेटा आओ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम, आओ आओ, कहाँ थी इतनी देर से? आई एम सो हैप्पी कि हमें तुम जैसी लड़की मिली है। वलीद भी बहुत खुश है। अब से हम दोनों सिर्फ अपनी बातें किया करेंगे, किसी और की नहीं। और प्लीज आप अपने कजन को समझा दीजिएगा, जब हम बात कर रहे हो तो बीच में इंटरेक्ट ना किया करे। नहीं वो तो बस, हाँ लेकिन आपको पता है ना, अच्छा नहीं लगता, उसे खुद सोचना चाहिए ये बात। मिसेस मुस्तफा, ये क्या कर रही हैं आप? भाई अब आप बीच में कुछ नहीं बोलेंगी। ये मेरा और रानिया का आपस का मामला है। एक खूबसूरत लग रही है आप, ये देखें। मगर